कीजिए, आज मुझे होश नहीं रहा इसलिए अपनी जगह भूल गई। ये पहली बार नहीं। इसके लिए कोई कायदा कोई कानून नहीं। बहू, भगवान के मंदिर और संगीत के भवन में एक ही कायदा होता है, एक ही कानून चलता है, और वो है दिल का कानून। और लता के दिल में जो संगीत है वो शायद इस वीणा में भी नहीं। लता, आज तुम्हारे संगीत ने हमारे दिल के तारों को छेड़ दिया और ना जाने कितने सोए हुए सपने जगा दिए। कौन से सपने रानी माँ जी? एक सपना तो तेरा ही है बेटा। किस दिन तू ऐसी बहू लाएगा जो इस महल में तेरे जीवन में खुशी का संगीत भर देगी? वो आएगी, जरूर आएगी। तुम्हारा बेटा तो आदमी कहलाने के भी काबिल नहीं। उसकी बात छोड़िए, आगे बढ़िए। बेटे ने क्या लिखा है? लिखा है वो अच्छी तरह है। हमारे रहने के लिए उसने घर का इंतजाम कर दिया है, लेकिन मैं सोचता हूं तुम्हारे लाल को कैसे ले जाऊं। अगर उसने वहां भी अपने गुल खिला दिए तो तुम्हारी बेटी का क्या मुंह रह जाएगा? लो, आ गए तुम्हारे सुपुत्र। ये मरिया, जैकपॉट लग गया हाथ या घर के 300 भी गए हाथ से? 300? कौन से 300 रुपए? क्या बकती हो? ये ऐसे बातें करिए जैसे मैंने कोई चोरी की। चोरी छोटी चीज होती है, तुमने तो डाका डाला है डाका। लता ने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया है। वो हर महीने 500 रुपए भेजती थी, तुम 200 देते थे मुझे और बाकी 300 घोड़ों के लिए दबा लेते थे। घोड़े तो माँ बाप से भी ज्यादा इसके नजदीकी रिश्तेदार है ना। बस कीजिए, बस कीजिए। ये संभालिए अपने 600। मुझे नहीं मालूम था कि आपको बेटे से बढ़ के ये रुपया प्यारा है। छोड़ो बसंती, इन्हें तो मेरी कीमत उस वक्त मालूम पड़ेगी जिस वक्त लाखों रुपए का मेरा जैकपॉट निकलेगा। तुम जो जी में आए करो, हमें तुमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। हाँ? सचमुच नहीं? बिल्कुल नहीं। हम भूख से मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ओ मम्मी डैडी, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया, तुम निकल जाओ मेरे घर से। ओके ओके, आज के बाद हम इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। और डैडी, उम्मीद है कि हमारे गरीब खाने में आप भी कभी कदम नहीं रखेंगे। अरे नहीं जाएंगे तो धमकी किसे दे रहा है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। बसंती, जाने से पहले ये बक्सा खोल के क्यों नहीं इन्हें जैकपॉट का दर्शन करवा दे? हाँ, लुक मम्मी, लुक डैडी, लुक लुक। नगद 300,000 रुपए आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मैंने जिंदगी में 300,000 तो नहीं देखे, लेकिन तुझ जैसा 3% का कमीना भी नहीं देखा। मारते क्यों? टाटा डरी ले जा इसे, तेरा कचरा मुझे नहीं चाहिए। ले जा। ओके ओके, ये लो 3 और ये 3 मेरे। चलो जी। बड़ा शानदार घर मिला है, लेकिन इतने बड़े घर की देखभाल। अरे तुम इसकी फिक्र ना करो, नौकर चाकर बहुत है, तुम तो रानियों के तरह बस आराम करो। बेटी, मकान से ज्यादा ये सुनकर खुशी हुई कि जिनके यहां तुम काम करती हो वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, तब करण सिंह खुद खाना भी नहीं खा सकता? खिलाने के लिए भी उसे सेक्रेटरी चाहिए। लता को हमने खाने पे बुलाया है, आओ लता बैठो। हेलो गौरी, कब आई तुम? आज ही। कल देखा तू इतनी सी थी, आज देखा तू इतनी हो गई। बेटियां और बेले बहुत जल्दी बढ़ती हैं। सही कहा आपने रानी माँ जी, आज बेटी कल माँ परसों नानी, मर्द ऐसी तरक्की इतनी जल्दी नहीं कर सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी ऐसी तरक्की करने वाली नहीं हूँ, मैं तो शादी ही नहीं कर रही। क्यों नहीं बेटी, हम तो कितने दिनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन तुम इस घर में करण की दुल्हन बनकर आओगी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह के लाई जाए तो भाइयों में फूट नहीं पड़ती, खानदान में झगड़े नहीं होते,
एक फायदा और भी होता है, कभी एक बहन को आंसू बहाने पड़े तो दूसरी मौजूद होती है उसके आंसू पोंछने के लिए। छी छी बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा दिन आंसू ही बहाती रहती हो। हम अपने नहीं, उनकी बात कर रहे थे जिनके पति हमेशा शराब के नशे में चूर और बदमस्त रहते हैं। तो भाभी शराबी की बात भी सुन लो, आज तक हमने जो भी लड़की देखी हंसती हुई देखी रोती हुई देखी नहीं। देखते भी तो कैसे देखते भैया, पैसे से खरीदी हुई गुड़िया सिर्फ हंसना जानती है। बहू कैसी बात निकालती हो मुँह से, तुम्हें हमारा भी लिहाज नहीं? बेलिहाजी में भाभी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इनकी बातें सुनकर तो शराबी को भी शर्म आने लगती। इजाजत चाहेंगे, हम जा रहे हैं। अब तक सिर्फ जिक्र सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया ये कितने अच्छे। आंखों से आदमी सिर्फ बाहर का खोल देख सकता है, अंदर की खूबसूरती नहीं। अंदर की खूबसूरती सिर्फ तुम्हें ने देखी होगी, हमें तो न देखने की फुर्सत है न जरूरत है। चलिए ये क्या रानी साहब, आप रो रही हैं? हाँ, आज रोना पड़ गया, दिल में एक तीर सा चुभा और आंखों से आंसू उछल पड़े। लोग भारी सभा में हमारे बेटे को, हमारे करण को शराबी कहे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये उंगली क्या दिखा रहे हो आसमान को? हाँ अरे हुजूर समझ लीजिए कि आसमान की खबर लाया हूँ। क्या बकते हो? अरे मुझे आज मालूम पड़ा मालिक कि अमेरिका वालों ने चांद की तरफ जाना क्यों छोड़ा। अरे क्यों 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 छोड़ा यार बताओ। हुजूर इसलिए छोड़ा कि चांद जो जमीन पे उतर आया, आप हुक्म दे तो आज शाम ही को उस चांद को आपकी बाहों में डाल दू। कौन है भाई, कौन है वो? हम भी सुनना चाहेंगे। चांदी की बनी हुई, चांदनी में धुली हुई। ओहो, 200 रुपया तो मुझे सिर्फ उसकी खबर लाने का मिलना चाहिए। 200 रुपया? एक मिनट, अगर माल तारीफ से कम निकला तो हम तुम्हें आधा कर देंगे। गुलाम हाजिर है सरकार। ए तख्ता हुजूर। एक मिनट में आ रही हूँ। आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। लता मैं आपको पीने नहीं दूंगी। What nonsense! तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? हमें पीने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। हमारी मर्जी एक आजाद आंधी की तरह जिसे तुम जंजीरें नहीं बना सकती हो। तुम हंस रही हो? हंसने की तो बात ही है, जो बोतल की कैद तोड़ नहीं सकते वो आजाद आंधे की बात कैसे कर रहे हैं। लता तुम अपनी सीमा भूल रही हो। जी नहीं, मैं आपको आपकी सीमा बता रही हूँ। हर चीज की एक सीमा होती है, कुछ कीमत होती है। आपके पास तो न अपनी इज्जत की कीमत है न दूसरों के प्यार की। लता ये पल्लू देखिए मेरा, मैं जानी कितनी बार भीग चुका है आपकी माँ के आंसू से। आपका बस चले तो आप माँ के आंसू भी पी जाएंगे, सिर्फ उनमें शराब जैसा नशा होना चाहिए। लता जबान को लगाम दो, हमारे सामने जो गुस्ताखी करता हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं पीने दूंगी, नहीं पीने दूंगी। हम पिएंगे, तुम क्या कर सकती हो? मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। Oh, shut up, mind your own business. You bloody woman! Thank you.
लीजिए, आप तो रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए, इसमें शराब से लाली भी ज्यादा है, नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। शराब का नशा तो रात को चढ़ता है, सुबह उतर जाता है, मगर खून का नशा जल्दी नहीं ढलता। पीजिए पीजिए। लता, तुम क्या समझती हो हम खून के प्यासे कोई जंगली जानवर हैं? क्या हमारे सीने में तिल नहीं है? हम शराबी जरूर हैं, मगर हम शराबी क्यों बने ये तुम्हें मालूम नहीं। हमारी कहानी शराब में नहीं, खून में लिखी हुई है। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताते।